Don't forget to subscribe my channel by clicking subscribe button like this and hit the bell icon to get timely notification whenever I upload a new video. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं अगेन आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर एंड इजी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आलू पोस्तो। इसे बहुत ही वेरिएशन में बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ अपने स्टाइल में आलू पोस्तो कैसे बनाते हैं वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलू पोस्तो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, देखिए कुछ इस तरह। और मैंने काट के इसे पानी में डिप करके रखा है ताकि इसका डिसकलर ना हो जाए। और 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो के लिए मैंने लिए है 2 बड़े चम्मच पोस्तो यानी कि पॉपी सीड। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हो तो इसी टाइम आप ग्रीन चिली को भी पेस्ट कर सकते हो। और तड़के के लिए मैंने लिया है जीरा एंड 2 सूखी लाल मिर्च। एक कढ़ाई लेकर मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल डालते हो तो आपका ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। अगर आप मस्टर्ड ऑयल का स्मेल पसंद नहीं करते हो तो आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी जीरा। जीरा जब अच्छी तरह से चटक जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी सूखी हुई लाल मिर्च। जब दोनों का ही स्मेल अच्छी तरह से बिखरने लगेगा तब उसी टाइम मैं आलू को डालूँगी और अच्छी तरह से चलाऊँगी ढक के। तो देखिए, जब मैंने थोड़ी देर बाद इसकी ढक्कन हटाकर इसको चेक किया था तो इसमें थोड़े थोड़े रेडिश कलर आने लगे हैं। तब इसी टाइम में मैं जो ड्राई स्पाइसेस है मैं उसको ऐड करूँगी। ड्राई स्पाइसेस में सिर्फ जाएगा रेड चिली पाउडर एंड नमक, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो मैं उसको भी अभी ऐड कर लूँगी। इसको अभी अच्छी तरह से चलाना है जब तक कि ये स्पाइसेस अच्छी तरह से आलू में लिपट ना जाए। अब इसके 2 सेकेंड बाद ही मैं पॉपी सीड का जो पेस्ट है मैं उसको ऐड कर दूंगी। देखिए सभी पेस्ट को मैं अच्छी तरह से ऐड कर लूंगी इसको, और इसको भी मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी जब तक कि ये पोस्तो अच्छी तरह से आलू में कोट ना हो जाए। उसके बाद मैं पानी डालकर इसको अच्छी तरह से पका लूँगी।
तो देखिए अभी पोस्तो अच्छी तरह से आलू में लिपट गया है, दैट मीन्स सब कुछ अच्छी तरह से सॉटे हो गया है। अब ये परफेक्ट टाइम है पानी ऐड करने का, तो आप उतना ही पानी ऐड कीजिएगा जब तक कि आलू पक ना जाए, और उसके बाद आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हो आलू पोस्तो में, आप उतने हिसाब से आलू को पानी दे सकते हो। अभी मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी जब तक कि आलू पक ना जाए। तो इसको मैंने 5 सेकेंड बाद चेक किया था, अभी आलू अच्छी तरह से गले नहीं है, तो मैं इसको अभी अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो अभी 2-3 मिनट का ये क्लिप है, तो मैंने जब ये चेक किया तो आलू अच्छी तरह से पक गए थे, और मुझे ग्रेवी भी इतना ही रखना था क्योंकि मैं इसको राइस के साथ लेने वाली थी, तो ये अभी रेडी हो गया है। आवर यम्मी डिलीशियस माउथ वाटरिंग आलू पोस्तो इज़ रेडी। आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हो, ये सबके साथ ही बहुत अच्छी तरह से टेस्ट होगा। तो देर किस बात की, आलू उठाइए, पोस्तो पेस्ट कीजिए एंड बनाइए इस रेसिपी को। अपने घर पे अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये आलू से बना हुआ है और आलू सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको मेरे झटपट वाले रेसिपी पसंद आते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट फ्यूचर नोटिफिकेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।